मैंने लास्ट दो क्लास में हायर परचेस अकाउंटिंग में मैंने आप लोगों को एम्फसाइज दिया था कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को कंसंट्रेट किया था, लेकिन इसका ये था बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो ब्लॉक के बेसिस पे हम लोग हायर परचेस का जो अकाउंटिंग है वो फॉलो करेंगे। रादर हायर परचेस अकाउंटिंग का बारे में मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, आज मैं हायर परचेस अकाउंटिंग का क्लास शुरू करने वाला हूं। कल तक मैंने जो कराया था आप लोगों को वो बेसिकली हायर परचेस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, पार्ट था लेकिन वो मोर देन हायर परचेस, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही ज्यादा था। तो उसी को फंडामेंटल दिमाग में रखते हुए मैं हायर परचेस क्लास आज से शुरू करूंगा। लेकिन वहां पर जो मैंने क्लास कराया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप यहां पर कुछ कर नहीं सकेंगे। इज इट ओके, विजिबल? यस सर। मैंने हायर परचेस का मतलब आपको समझाया था। हायर परचेस का मतलब था मैं सर क्या करूंगा, मैं गुड्स एसेट को परचेस करूंगा, जनरली एसेट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, एसेट को परचेस करूंगा नॉट पेइंग द अमाउंट इमीडिएटली, रादर इन अ डेफर्ड फॉर्म इन अ इंस्टॉलमेंट। जैसे इन एन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता हूं तो परचेस का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें दो एग्रीमेंट हो गया, एक परचेस का एग्रीमेंट और दूसरा फाइनेंस का एग्रीमेंट, मतलब लोन का एग्रीमेंट। हेलो भाई टेस्टिंग 1 2 3 4 अच्छा पढ़ा था ये 1 2 3 4 हु इज दिस, कौन था ये? कौन था? मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, नहीं तो हु तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हायर परचेस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए। हायर परचेस का कॉन्सेप्ट का मतलब कोई बंदा परचेस करेगा, नॉर्मली बिजनेस हाउस जो परचेस करेगा वो कौन सा बेसिस में परचेस करेगा? यहां पर आपको फिनांस भी करना पड़ेगा, मतलब आप सिर्फ सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपको सिर्फ परचेस नहीं करना पड़ेगा, आपको परचेस के साथ आपको फिनांस भी करना पड़ेगा। तो जो परचेजर ये गुड एसेट परचेस कर रहा है उसके पास पैसा नहीं था, तो वो एक काम कर सकता था, बैंक से फिनांस ले सकता था जो कॉमन है, मतलब एक जगह लोन एग्रीमेंट किया बैंक के साथ, बैंक से पैसा उठाया, आपसे परचेस कर लिया। और दूसरा, जहां पर मैं जो वेंडर है, मतलब जो मैं एसेट बेच रहा है उसको ही बोल रहा हूँ क्या फिनांस करेंगे, वो भी देख रहा है भाई मुझे एसेट से बेचने से भी मुनाफा आएगा, एज वेल एज मैं अगर लोन देता हूं उसका इंटरेस्ट से भी मुझे प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट इनकम होगा, तो वो भी राजी हो सकता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ जहां पर वेंडर ही ये एसेट फिनांस करने का लिए, जो फिनांस एट एसेट परचेस करने के लिए जो पैसा का जरूरत है उसका प्रोविजन वही करेगा, मतलब वो लोन देगा, सिंपल द वर्ड। तो ये टाइप का ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। तो हायर परचेस में ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है सर, हम लोग तो क्रेडिट में लेते ही है लेकिन वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, 1 महीना 2 महीने के बैटर, लेकिन हायर परचेस इज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब 3 साल 4 साल तक आप पेमेंट करेंगे। अगर मैं इन बिटवीन में आपके साथ कंडीशन होगा, आप हर साल में बा मंथली आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद मैंने क्या करूंगा, मैं तो एसेट का पोजीशन पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, मैं एसेट का ओनरशिप भी आपके ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये था एग्रीमेंट अंडर हायर परचेस सिस्टम का। तो यहां पर कुछ कुछ टर्म्स आपको जानना पड़ेगा, तो एक एक करके मैं आता हूं। पहले आता है कैश परचेस।
कैश परचेस मतलब अगर आप इमीडिएटली एसेट को परचेस करते हो कैश देके तो कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज परचेस ऑफ एसेट बाय पेइंग कैश इमीडिएटली, मतलब दैट इज टॉकिंग अबाउट द परचेस एग्रीमेंट। अगर मैं इमीडिएटली पेमेंट करके एसेट खरीदता तो कितना पेमेंट करना पड़ता, दैट इज कैश परचेस, कैश परचेस प्राइस। Purchase of asset by paying the cash. What is a credit purchase? Purchase of asset under credit for few months. मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, एक बंदा अगर asset purchase करना चाहता है, उसके पास कितना प्रकार का तरीका होगा? तीन प्रकार। एक को cash में purchase कर सकता है, that is purchase of asset by paying cash immediately. दूसरा credit purchase, मतलब purchase of asset under the credit for few months. मतलब एक महीना, दो महीना, उसके भीतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर इसके भीतर इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है? रहता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट का इंटरेस्ट रहता है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो प्राइस के भीतर इंक्लूड रहता है, यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये क्रेडिट परचेस फॉर फ्यू मंथ्स। तीसरा क्या होता है? हायर परचेस। हायर परचेस में क्या होता है? परचेस ऑफ एसेट अंडर लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब परचेस एग्रीमेंट भी करेंगे उसके साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब बोरोइंग भी करेंगे। तो परचेस एग्रीमेंट प्लस बोरोइंग इंक्रीमेंट विद अ एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट कंपोनेंट। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा तो एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट कंपोनेंट का मतलब व्हाट क्या है? इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया, एक्सप्लिसिट मतलब आपको इंटरेस्ट रेट पता चलेगा, लेकिन वही इंटरेस्ट रेट अगर आपका अंदर में रहता है, इम्प्लिसिट है, तो आपको रेट पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपको ये पता है थोड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, आइदर देना पड़ेगा और नहीं तो आपको क्या कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, नॉट मोर देन दैट। सो क्लियर? कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, हायर परचेस, एग्री और नॉट? तो कैश परचेस एक एसेट किन प्रकार से परचेस हो सकता है? सर तीन प्रकार, वन इज कैश परचेस, दूसरा क्रेडिट परचेस एंड तीसरा हायर परचेस। नाउ अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट द गुड्स आर परचेस फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट, देयर आर टू कंपोनेंट इन द प्राइस। तो प्राइस में दो कंपोनेंट रहेगा टोटल हायर परचेस प्राइस में, देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द हायर परचेस प्राइस, हायर परचेस प्राइस। एक का नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट, दैट इज कैश प्राइस, और जो एडिशनल आप देते हो कैश प्राइस और लोन अमाउंट, और दूसरा होगा इंटरेस्ट कंपोनेंट, मतलब जो एडिशनल, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए जा रहे हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लिसिट है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आपके लिए सामने होगा। तो हायर परचेस प्राइस में दो कंपोनेंट रहेगा, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जिसको हम लोग कैश प्राइस भी बोलते हैं, बा लोन अमाउंट भी बोलते हैं जिसका लोन हम लेते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट कंपोनेंट। नाउ बी, अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट देयर आर द टू साइमल्टेनियस एग्रीमेंट एंटर बाय द परचेजर। क्या क्या एग्रीमेंट बेटा? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपने दो एग्रीमेंट आप करेंगे अंडर हायर परचेस प्राइस में, फर्स्ट परचेस एग्रीमेंट और दूसरा लोन एग्रीमेंट। क्या? पहला है परचेस एग्रीमेंट और दूसरा है लोन एग्रीमेंट। परचेस एग्रीमेंट का मतलब है जो एग्रीमेंट आप कैश प्राइस में करते हो विद द सेलर, बायर इज ट्रीटेड इज एसेट परचेज, बायर इज ट्रीटेड इज as asset purchaser, that is customer. तो एक एग्रीमेंट होगा परचेस एग्रीमेंट जहां पर आप सेलर के साथ बायर का एसेट परचेस का एग्रीमेंट होगा, और दूसरा लोन एग्रीमेंट। किसके साथ लोन एग्रीमेंट होगा? थर्ड पार्टी के साथ नहीं, लोन एग्रीमेंट होगा। किसका लोन लगेगा? सर जो कैश प्राइस से परचेस एग्रीमेंट हुआ है वो प्राइस तो मैं नहीं दे सकूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लोन लेके उसको पेमेंट करूंगा। तो लोन किससे लूंगा? मैं सेलर से लूंगा। आप लोग मुझे बोलिए, एक एसेट का दाम है 4 लाख, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हायर परचेस एग्रीमेंट में मान लीजिए टाटा मोटर्स कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा हूं, तो जो दो एग्रीमेंट होगा उसका अमाउंट क्या है और दो एग्रीमेंट क्या है बताइए। बोलिए सर, परचेस और लोन एग्रीमेंट। सर क्या क्या एग्रीमेंट है? एक परचेस एग्रीमेंट है और दूसरा लोन एग्रीमेंट। परचेस एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है और कितना प्राइस में हुआ है? परचेस एग्रीमेंट आपके साथ टाटा मोटर्स का एग्रीमेंट हुआ है,
कौन सा प्राइस में? 4 लाख में। तो ये परचेज एग्रीमेंट का पैसा कौन देगा? सर ये पैसा खुद टाटा मोटर्स में देगा। क्यों? बिकॉज टाटा मोटर से मैंने लोन एग्रीमेंट लिया है। कितना अमाउंट का लोन लिया है बोलो तो मुझे, कितना अमाउंट का लोन लगेगा एक्चुअली? कितना अमाउंट का लोन लगेगा बोलो? 4 लाख का सर। 4 लाख का लोन लगेगा। सो देन 4 लाख इज अ लोन अमाउंट, दैट इज अ लोन एग्रीमेंट। तो दो एग्रीमेंट हुआ आपके साथ, एक परचेज ऑफ ट्रक 4 लाख का, दूसरा वही टाटा मोटर के साथ मेरा और एक एग्रीमेंट हुआ लोन एग्रीमेंट, जिसके दौरान टाटा मोटर मुझको, मैंने जो परचेज किया उसको फिनांस कर देगा। सो दैट इज अ लोन एग्रीमेंट। तो लोन एग्रीमेंट कितना अमाउंट का होगा सर? जो प्राइस कैश में देना चाहिए था, कैश में कितना पेमेंट हो रहा है सर? 4 लाख, तो वही मेरा लोन अमाउंट है। यस और नो? यस सर। चलो, अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट द बायर विल गेट टू राइट्स ऑन द परचेज ऑफ द एसेट। एसेट परचेज करने के इमीडिएटली उसके पास दो राइट चला जाता है। फर्स्ट, पोजेशन ऑफ द एसेट शिफ्टेड टू सेलर टू बायर। एसेट का जो पोजेशन है वो कहां पर जाएगा? वो सेलर से चला जाएगा बायर के पास। दूसरा, राइट टू यूज, सिर्फ पोजेशन नहीं, राइट टू यूज ऑफ द एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। बायर उसको क्या कर सकता है? यूज भी कर सकता है। सिर्फ पोजीशन लेके बैठेगा यूज नहीं कर सकेगा, गड्डी लेके गड्डी चला नहीं सकता है, तो वो उसका पोजीशन लेके क्या करूंगा? पोजीशन भी देगा, राइट टू यूज भी देगा। थर्ड, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओनरशिप ट्रांसफर कब करेगा? ओनरशिप ट्रांसफर बाय द सेलर टू द बायर। बायर के पास ओनरशिप चला जाएगा कब? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप कहां जाएगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से कहां सर? ओनरशिप ट्रांसफर होगा बायर से, सॉरी सेलर से ओनर तक, सेलर से बायर तक। इससे पहले पोजीशन गया, इससे पहले राइट टू यूज गया, लेकिन सब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद 2 साल 3 साल के बाद आपके पास ओनरशिप भी चला आएगा। इन केस ऑफ फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते, मतलब इट इज क्या हुआ सर? इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो, अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर विल टेक द रीपोजेशन ऑफ द एसेट फ्रॉम द बायर। जो पोजेशन सेलर ने बायर को दिया था विथ अ गुड फेथ दैट बायर विल पे द अमाउंट और इंस्टॉलमेंट रेगुलरली। लेकिन अगर बायर रेगुलर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है तो क्या करेगा? सेलर अपना पोजेशन रीबैक करेगा, रिपोजेस करेगा। तो इसका नाम है रिपोजेशन ऑफ एसेट। किससे रिपोजेस करेगा? किसको पोजेशन दिया था? सेलर ने बायर को पोजेशन दिया था, अब बायर से वो पोजेशन रीबैक करेगा। क्लियर और नॉट? एग्री? अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट का दो कंपोनेंट रहता है, एक डाउन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट। डाउन पेमेंट कब देना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन करने के तुरंत बाद एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज द प्रिंसिपल पार्ट ओनली। और दूसरा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। आपको क्या देना पड़ता है? इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, जिसमें दो पार्ट रहता है, मैंने आपको सिखाई दिया है। वन इज प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा इज इंटरेस्ट पार्ट। ओके, डन। नाउ व्हाट इज हायर परचेस प्राइस? हायर परचेस प्राइस क्या होता है? हायर परचेस प्राइस इज द सम टोटल ऑफ डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। हायर परचेस प्राइस का मतलब कैश प्राइस नहीं है। कैश प्राइस मतलब अगर तुरंत आप पेमेंट करते हो तो आपको कितना लगता है। हायर परचेस प्राइस का मतलब है अगर आप हायर परचेस एग्रीमेंट में जाते हो तो आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज अ टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट
टू सेलर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। ओके, यस और नो? हायर परचेस प्राइस इज द टोटल पेमेंट टू द सेलर बाय द बायर अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। इट इज द सम टोटल ऑफ डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट तो बोलिए जल्दी से। यहां तक कोई डाउट? पहले मैंने बताया है कितना प्रकार से परचेस कर सकता हूं, तीन प्रकार से। उसके बाद हायर कैश परचेस, क्रेडिट परचेस एंड हायर परचेस। देन हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, कैसे एग्रीमेंट होता है, कैसे क्या क्या राइट उसके पास जाता है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बेटे बच्चों कोई बता मुझे बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो सर पोजीशन और ओनरशिप का एक डिफरेंस बता दीजिए ना। पोजीशन मतलब, चलो 18 हो गया तुम्हारा, यस सर। ऐसा कोई है जिसका 18 नहीं है तो अपना कान बंद रखिए। आप जब शादी करेंगे आप अपने बीबी के घर में के बैठ जाके बैठेंगे ना, बीबी आपके घर में आएगा, जिससे शादी करेंगे वो आपके घर में आएगा ना आप उसके घर में जाएंगे। क्या हुआ? हेलो, सेकेंड वाला सेकंड वाला जोर से बोलिए। सेकंड वाला सर, शादी करने के बाद लड़की मेरे घर में आएंगे, नेचुरल। लड़की लोग ये एक्सेप्ट करते हो और रिजेक्ट करते हो? यस सर। क्या आपके पास ओनरशिप मिलता है? क्या लड़की का आप ओनर है? नो, ओनली यू हैव ट्रांसफर द पोजीशन। आपके घर से आपके घर ही हो सकता है, आप उसके साथ चल सकते हैं। मतलब पोजीशन का मतलब हो जाता है फिजिकली एसेट किससे कहां पर गया है। आई रिपीट, पोजीशन का मतलब है फिजिकली एसेट कहां से कहां पर गया है, दैट इज द पोजीशन ट्रांसफर। समझ में आया? एसेट यस के लिए राइट टू यूज, मतलब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आप उसका आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं एसेट को, किसी को किराए में दे सकते हो, लेकिन हाँ आप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब आप किसी को बेच नहीं सकते। तो पोजेशन दिया है, बेच तभी सकते हैं अगर आप ओनर हो। अंटिल एंड अनलेस यू आर द ओनर ऑफ द एसेट, आप कैसे बेचेंगे? तो हायर परचेस एग्रीमेंट में तुरंत दो चीज चला जाता है, पोजेशन ऑफ द एसेट आपके पास चला जाता है और राइट टू यूज ऑफ द एसेट आपके पास चला जाता है। मतलब गाड़ी भी आपके पास जाएगा और गाड़ी चलाने का राइट भी आपके पास जाएगा, लेकिन लेकिन ओनरशिप तभी जाएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। ठीक है? यस सर। ओनरशिप मतलब आपके उसमें आपका जो मालिकाना है, वो जिसके ये राइट का मतलब है। ओनरशिप का राइट का मतलब है राइट टू सेल, यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तभी आप सेल कर सकते हैं जब आप ओनर होंगे, मालिक होंगे। मालिक कब होंगे? जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। यस और नो? यस। चलिए, तो और कोई डाउट किसी का? और किसी का कोई डाउट? नाउ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर फॉर परचेजिंग द एसेट अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। इसका मतलब आप, मैं दिखाना चाहता हूं परचेजर जो एसेट खरीदा है वो क्या जर्नल एंट्री देगा। पहले मैं कुछ एक दो दिन में परचेजर के बुक में काम करूंगा, उसके बाद में सेलर के बुक में काम करूंगा।
पहले में जो बंदा परचेस कर रहा है उसका बुक में क्या एंट्री होगा वो देखना चाहता हूं, ठीक है? तो चलो, एट द टाइम ऑफ परचेज, एसेट जब परचेस करते हो आप जर्नल क्या दोगे? सर सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लीगल फॉर्म क्या बोल रहा है? क्या आप एसेट का ओनर है? क्या आप एसेट का ओनर है? यस और नो? नो सर। नो सर। तो क्या आप लिख आप बोल सकते हैं ये एसेट अकाउंट डेबिट? क्या आप बोल सकते हैं एसेट अकाउंट डेबिट? अगर आप एसेट ओनर नहीं है तो आप कैसे उसके ऊपर एसेट को आप क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, दैट इज इट इज नॉट द इम्पोर्टेंट इज द सब्सटेंस, मतलब उसका जो इनर मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट इज इम्पोर्टेंट रादर देन इसका लीगल फॉर्म, कौन सा लीगल फॉर्म में उसको परचेस किया गया है बा काम ट्रांजैक्शन किया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा मकसद के लिए एसेट को परचेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर में एसेट को परचेस करना, यस और नो? फ्यूचर में एसेट को फ्यूचर में नहीं, एसेट को परचेस करना एंड एसेट को यूज करना, तो ये मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। तो दैट्स व्हाई सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन बोल रहा है यू शुड रिकॉर्ड द आइटम एज योर एसेट, बिकॉज योर इंटेंशन, योर सब्सटेंस, योर पर्पस, योर ऑब्जेक्टिव is to purchase the asset, but the way of purchasing asset is to taking a finance from the seller. So that is a different way of legal form, different in different pattern, but objective is to purchasing the asset. So journal kya hoga? Asset account debit to higher vendor. Higher vendor matlab paisa apne to nahi diya, that's why asset account debit to higher vendor, yes or no? Asset account debit to higher vendor account, yes or no? Yes sir. Okay, at the time of down payment, acha higher vendor ko credit kyun kiya? Sir higher vendor matlab seller, jisko mujhe paisa dena hai to higher ka higher mein jisse maine kharida hai to mera liability hai, wo mera obligation hai, future mein payment karna hai. Okay, at the time of payment, down payment kya hoga entry? सर कौन सा प्राइस में रिकॉर्ड किया? सर कैश प्राइस में। एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, जैसे ही परचेस करता हूं एक डाउन पेमेंट करता हूं, कितना डाउन पेमेंट व्हाट एवर में भी द डाउन पेमेंट, जर्नल क्या होगा? हायर वेंडर को डेबिट करूंगा टू बैंक, यस और नो? यस सर। तो मुझे ये बताओ नेट लोन कितना हो गया? नेट लोन क्या हुआ? अगर 4 लाख लेने के तुरंत बाद मैंने 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया तो नेट लोन कितना हुआ बेटा? 3 लाख। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर करोगे बेटा? 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे? कॉमन सेंस लगाओ। सर 3 लाख। सर 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, नॉट 4 लाख के ऊपर, यस और नो? यस सर। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट कब चार्ज करते हैं बेटा? एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करोगे? दो चीज करोगे। फर्स्ट सर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो इंटरेस्ट चार्ज का जर्नल क्या होगा? सर इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंसेस, अगर लोन लेते तब भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ही होता, दैट इज योर फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई डेबिट। इंटरेस्ट जितना चार्ज करोगे वेंडर का अमाउंट बढ़ेगा ना घटेगा? वेंडर का अमाउंट बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा ना घटेगा? लाइबिलिटी बढ़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो क्या होगा जर्नल? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यस और नो? एग्री। आप क्या करेंगे? आप उसको पेमेंट करेंगे, एग्री और डिसएग्री? तो जैसे ही पेमेंट करते हो, पूरा नहीं पार्ट जब पेमेंट करते हो, हायर वेंडर को क्या करोगे? लायबिलिटी को बढ़ेगा ना लायबिलिटी घटेगा? लायबिलिटी जैसे ही घटता है तो जर्नल क्या होगा? लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, हायर वेंडर को डेबिट करेंगे टू बैंक, यस और नो? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एग्री? यस सर। चलो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट,
आप पूरा साल एसेट इस्तेमाल किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए, आप डिप्रिसिएशन नहीं देंगे? आपको तो पता ही है यूज करने से डिप्रिसिएशन होता है, यस और नो? यस सर। अगर आपके पास वो एसेट बोल के रिकॉर्डेड है, अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और नहीं होगा? होगा होगा। तो जर्नल क्या होगा सर? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यस और नो? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यस और नो बेटा? यस सर। चलो देखो, यहां तक कोई जर्नल में प्रॉब्लम आपका? परचेस का टाइम, डाउन पेमेंट का टाइम, इंटरेस्ट के टाइम, पेमेंट के टाइम, डिप्रिसिएशन के टाइम, इसके बाहर कुछ नहीं है फर्स्ट फेज में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, यस और नो? नो सर। नाउ एक इलास्ट्रेशन मैंने दिया है, ए लिमिटेड परचेस प्लांट फ्रॉम बी लिमिटेड अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट, अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन 1/1/2020। नंबर वन क्या टर्म? डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा 20,000 एंड बैलेंस आपको टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। कहीं पर सुने हैं? और कैश प्राइस क्या बोला है? 1 लाख रुपया, यस और नो? कैश प्राइस आपका बोल दिया है 1 लाख रुपया, डाउन पेमेंट 20,000 और बैलेंस कितना बैलेंस है पहले बोलिए। मैंने लोन का एग्रीमेंट कितना अमाउंट के ऊपर होगा, लोन कितना अमाउंट के ऊपर होगा, लोन अमाउंट कितने के ऊपर होगा? 1 लाख सर। 1 लाख के ऊपर। डाउन पेमेंट कितना करेंगे? 20,000। बाकी कितना बैलेंस बचता है? 80,000, यस और नो? यस सर। 80,000 को दो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा टुगेदर विथ 10% इंटरेस्ट, मतलब 80,000 को इक्वली 40-40 में डिवाइड करेंगे प्लस उसीआर का इंटरेस्ट मिला के मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा, यस और नो? यस सर। और ए लिमिटेड कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा? ए लिमिटेड चार्ज चार्जेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सो द नेसेसरी अकाउंट्स एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। चलो पॉइंट टू बी नोटेड, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना पड़ रहा है? क्या क्या? हायर परचेजर का नाम क्या है? कौन हायर परचेजर है यहां पर? कौन परचेस कर रहा है बेटा? ए लिमिटेड सर। ए लिमिटेड सर। वेरी गुड। कौन वेंडर है? कहां किससे परचेस कर रहा हूं? बी लिमिटेड 1 लाख। कितना है 1 लाख। लोन का अमाउंट? कितना होगा लोन का अमाउंट? 1 लाख, बिकॉज जो कैश प्राइस वही मेरा लोन अमाउंट है, वही प्राइस को पे करने के लिए मैंने लोन लिया। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 20% ट्वेंटी रिड्यूसिंग परसेंट बैलेंस मेथड, यस और नो? और एक चीज, डाउन पेमेंट कितना है? डाउन 20,000। पेमेंट क्या होगा? डाउन पेमेंट 20,000। 20,000, यस और नो? फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम का होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम का आपको एलोकेशन चार्ट करना है। एलोकेशन चार्ट कहीं पर नाम सुने हो? एलोकेशन चार्ट का कहीं पर नाम सुने हो? बोलो नहीं तो। अरे पगला, लास्ट 2 दिन क्या किया था आपने? तो एलोकेशन चार्ट ही किया था। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? तो चलिए एलोकेशन चार्ट करते हैं। टेक्निक आप लिख के ही बोलेंगे, सर ये तो हम लोग कर चुके हैं। कैश प्राइस दैट इज द लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट? कितना बेटा लोन? 1 लाख।
इमीडिएट डाउन पेमेंट 20,000, तो बैलेंस मतलब नेट लोन एक्चुअली कितना है? $80,000, यस और नो? यस सर। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में किसके ऊपर होगा? 2020 में जो इंटरेस्ट होगा किसके ऊपर होगा बेटा? सर 80,000 के ऊपर। 80,000 के ऊपर कितना परसेंटेज होगा? सर 10%। 15 नहीं आजा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच? 10%। तो 18% के ऊपर बोलो, 18% ये था 80,000। इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 80,000 के ऊपर 10%, यस और नो? यस सर। बैलेंस कितना आएगा? 72,000। इंटरेस्ट और बैलेंस दोनों मिला के टोटल ड्यू होता है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैलेंस कितना आता है? 88,000। कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे बोलो? सर दो। सर दो इंस्टॉलमेंट कैसे होगा? टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ व्हाट? टुगेदर विथ इंटरेस्ट। मतलब 80,000 को इक्वली दो साल में पेमेंट करेंगे, ये सर नो? प्लस टुगेदर विद द इंटरेस्ट, उस साल का इंटरेस्ट कितना है? 8,000, ये सर नो? बोलो कितना आएगा? 48,000। हाउ मच? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 48,000। लोन का बैलेंस कितना होगा? 40,000, यस और नो? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 40,000 इंटू 10%, यस और नो? ना 80,000 के ऊपर होगा, 40,000 के ऊपर होगा, यस और नो? यस सर। 4,000 बैलेंस कितना रहेगा? 44,000। 36 क्यों होगा? लोन जो आउटस्टैंडिंग था उसके साथ इंटरेस्ट ऐड हुआ, होके हुआ 44,000। नाउ लास्टली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे कितना? सर 80/2 प्लस हाउ मच? 4,000 बंदा 1,000 रुपया डाल देगा, ठीक है ट्रांसफर कर दें, तुमसे ही लेंगे। क्या बोले बोलो तुम? तो 44,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट, यस और नो? यस सर। इंटरेस्ट एलोकेशन चार्ज हो गया, तो इंटरेस्ट एलोकेशन में फर्स्ट ईयर में कितना आया? 8,000। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आया 4,000। लिखने का जरूरत नहीं था सर, तो बगल में ही था। नेक्स्ट, आप जर्नल एंट्री बोलो 1/1/2020 में क्या होगा जर्नल?
ক্লাসে আছি। क्या होगा जर्नल बोलो? फर्स्ट प्लांट परचेस कर रहा है कौन कौन सा, कौन सा डेट में? 1/1/2020 जर्नल क्या होगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 1 लाख 1 लाख, यस और नो? यस सर। देन 1/1/2020 में डाउन पेमेंट होगा, क्या होगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2020, यस और नो? यस सर। 31/12/2020 में आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब 2020 का अंत में इंटरेस्ट चार्ज होगा, यस और नो? यस सर। कितना इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक? 8000 8000। उसी डेट में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक 48000 48000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 48 था ना? फर्स्ट ईयर। एग्री? नेक्स्ट ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर के अंत में फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा, नेक्स्ट ईयर के अंत में फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा, यस और नो? यस सर। क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बी लिमिटेड कितना? 4000 4000। इंटरेस्ट इनकर्ड फॉर 2021 से, ये फिगर कहां से आया? ऊपर में मैंने एलोकेशन चार्ट में करके रखा था, 40000 के ऊपर 10%। लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे कितना? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 40000 44000, ये भी ऊपर में करके रखा। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितना? 20% ऑन 1 लाख के ऊपर होगा ना 80000 के ऊपर होगा? सर 80000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दैट्स व्हाई 1 लाख से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 20%। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। नाउ अकाउंट बनाओ, जो जो अकाउंट है, पहले जो आपके लिए एकदम कॉमन अकाउंट है वो पहले मैं बनाऊंगा, दैट इज प्लांट अकाउंट। आपने 1/1/2020 में प्लांट परचेस किया था 1 लाख, यस और नो? सब देखो ध्यान से। एग्री? यस सर। आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे 20000, यस और नो? यस सर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20000 है तो फर्स्ट ईयर का एसेट का बैलेंस कितना आएगा? 80000। यस सर। डन। तो नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के बैठेगा कितना? 80000। तो 80000 के ऊपर 20% कितना आता है? सर करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है लेकिन मैं तब भी दिखा रहा हूं। 80% के ऊपर 20% कितना? 16000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 64000, दैट इज योर नेट बैलेंस, यस और नो? दो साल और भी साल नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 इयर्स का करूंगा। डन। 2020 एंड 2021 का मैं अकाउंट करूंगा, 22 का अकाउंट नहीं करूंगा। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, बी लिमिटेड में आइए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली ये दो अकाउंट ही आपको करना पड़ेगा, प्लांट एंड बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में आपने क्या किया? लायबिलिटी क्रिएट किया, दैट इज 1/1/20 में एक प्लांट खरीदा है 1 लाख, बाई प्लांट अकाउंट बोल के 1 लाख। उसी डेट में, मतलब 1/1/20 में टू बैंक बोल के डाउन पेमेंट किया 20000, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, लोन का अमाउंट 80 हो गया। 31/12/20, मतलब साल के अंत में आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है 8000, कितना? इंटरेस्ट चार्ज 10% इनटू हाउ मच? 80000। सर ऑलरेडी तो करके रखे है, फिर से दिखा रहा हूं, अगर ऑलरेडी करके रखे तो बार बार मत लिखिए। 8000, तो डाउन पेमेंट कितना होगा? 48000, वो भी मैंने करके रखा है, 48000 डाउन पेमेंट, यस और नो?
80,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस उस ईयर का इंटरेस्ट 8,000, यस और नो? यस सर। तो 48,000 बैलेंस सीडी आपका कितना बैलेंस आएगा लोन? 40,000। नेक्स्ट ईयर में 1/1/2021 में बैलेंस आ रहा है 40,000। साल के अंत में इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? 10% इनटू 40,000 लिखना पड़ेगा। नो सर, ऑलरेडी ऊपर में है तब भी अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 10% ऑन 40,000 दैट इज 4,000। तो बैंक क्या होगा? दैट इज फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट 44,000, यस और नो? यस सर। 44,000 31/12/21 में आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो 44,000। देखिए लोन का अमाउंट क्लियर। बी लिमिटेड जो आपका वेंडर था, हायर वेंडर था, उसका अकाउंट क्लियर, दैट इज ये आपका क्या था? हायर वेंडर, उसका अकाउंट 2 साल में पूरा पेमेंट भी कर लिया, क्लोज हो गया। क्लियर और नॉट? डन? यस सर। चलो डिप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं, डिप्रिसिएशन का अकाउंट 31/12/20 में 2 प्लान बोल के डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 प्लान 20,000, और वो डिप्रिसिएशन अल्टीमेटली कहां क्लोज होता है आपको सीख चुके हो बहुत साल पहले ईयर में ही, दैट इज सर वो अल्टीमेटली पीएल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 20,000, पीएल अकाउंट में डिप्रिसिएशन बोल के बैठेगा, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट ईयर का भी सेम 16,000 है पीएल में जाएगा, 16,000 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लान 16,000। सर थर्ड ईयर नहीं किया, मैंने 2 साल तक करने के लिए बोला था, दैट्स व्हाई 2020-20 एंड 2020-21 ही मैंने किया है, उससे बाहर नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा? सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका कॉस्ट है 8,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 8,000 कहां जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में ना पीएल में? सर पीएल में। तो बाई पीएल अकाउंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। Transfer of interest expenses. Second year may be same. Clear, beta? Mujhko ultimately karna padta hai sirf 2 account. Kya kya? Asset account and vendor account. Baki ye sab karna nahi padta hai. First account bolke maine dikhaya. Theek hai? अब मैं मजे का बात बोल रहा हूं, मुझे क्या जर्नल करना पड़ेगा? नो, एकदम नहीं। तो आपने क्यों कराया? दिखाने के लिए। एलोकेशन चार्ट करना पड़ेगा? यस, एलोकेशन चार्ट करना पड़ेगा। ये एलोकेशन चार्ट क्या होगा? प्रॉब्लम अनुसार चेंज होगा। मैंने आप लोगों को 6 से 7 प्रकार का एडजस्टमेंट दिखाया, उस तरीके से जैसे सिखाया, हर प्रॉब्लम उसको चेंज करके वही प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं है। एकदम इजी चैप्टर, सबसे ज्यादा अगर इजी चैप्टर है तो आप लोगों का ये है। वो जो स्टूडेंट वो 2 क्लास अच्छी तरह से करेगा ना, और ये क्लास अच्छी तरह से कहां कहां अकाउंट जा रहा है जर्नल देखेगा, उसके लिए हायर परचेस का फर्स्ट पोर्शन कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, आराम से उसका हो जाएगा। स्टूडेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में उल्टा हो जाता है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ही पहले आप लोगों को सिखाया। ठीक है, डन बेटा? यस। 2 दिन का छुट्टी में आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा मंडे। मेरा रिक्वेस्ट है 2 दिन का छुट्टी में सीरियसली, इतना स्टूडेंट क्लास करते हो, नेटवर्क का बैलेंस सुनो ना सुनो, नेटवर्क का बैलेंस तो बर्बाद कर रहे हो। मैं तो आप लोगों का आप गूगल का यूट्यूब का नंबर ऑफ व्यूज देख के समझ जाता हूँ क्या कौन लोग क्लास देखता है और नहीं देखता है। आपका मर्जी है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे खुद को और अपना रिसोर्स को, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे फॉलो करेंगे। अभी तक लो हम लोगों ने कुछ चीटिंग किया है तो लग नहीं रहा है, बाकी आप लोगों के ऊपर। ऐसा तो कहीं नहीं है जी सर आप लोगों ने बोला है लेकिन वादा नहीं निभाया है,
जो बोला है कंटिन्यू सर्विस देते जा रहा हूं। पूजा के टाइम किसी कॉलेज में शायद क्लास होगा, लेकिन खिदिरपुर कॉलेज में क्लास होता है, वो बंद नहीं रहता है बिकॉज ऑफ यू पीपल। मैं जानता हूं आप लोगों को कान में थोड़ा भी आएगा तो आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा, बाकी आप लोग समझेंगे आप कैसे करेंगे, मेरे ऊपर कुछ नहीं है।